रेलवे ने आज से यानी कि 15 अप्रैल से उधना से भगत की कोठी के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, रूट के बारे में और टाइमिंग के बारे में। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। दरअसल ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में पैसेंजरों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रतलाम रेल मंडल के द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से एक नई ट्रेन इस रूट पर चलेगी। रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत रतलाम मंदसौर नीमच चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के साथ साथ उधना से भगत की कोठी के मध्य एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों ही दिशाओं में कुल 12 फेरा का संचालन के साथ चलेगी और स्पेशल ट्रेन उधना से प्रत्येक शनिवार को और भगत की कोठी से प्रत्येक रविवार को रवाना की जाएगी। ट्रेन नंबर की बात करें तो 09093 के साथ उधना से भगत की कोठी के बीच यह ट्रेन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। 15 अप्रैल से लेकर 24 जून तक यह ट्रेन उधना से प्रत्येक शनिवार को दोपहर में 1:30 पर रवाना होगी, जो कि रतलाम रात 8:20 पर, मंदसौर रात 9:33 पर होते हुए रविवार को यह ट्रेन सुबह में 9:30 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार दूसरी दिशा में यानी कि भगत की कोठी से यह ट्रेन 09094 के साथ 16 अप्रैल से लेकर 25 जून तक प्रत्येक रविवार को दोपहर में 12:15 पर खुलेगी और यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन तमाम रेलवे स्टेशन के रास्ते सुबह 7 बजे यह ट्रेन उधना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी सोमवार को। इस ट्रेन का दोनों ही दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, पाली एवं लूनी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। ट्रेन में मिलने वाली सुविधा की अगर बात करें तो एक सेकेंड एसी, एक इकोनॉमी जोन, इसके अलावा 4 थर्ड टायर एसी का सुविधा के साथ साथ 12 स्लीपर कोच एवं 4 जनरल कोच लगे रहेंगे। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।